मॉर्निंग दोस्तों, आज हम निकले हैं जर्मनी बर्लिन के लिए और यहाँ पर हमारी तुलसी की फ्रेंड रहती है तो हमने कहा उससे भी मिलाएंगे और साथ में घूमना भी हो जाएगा। वहाँ पर क्या एंजॉय करती है, कैसा लगता है फिर आपको बताते हैं। ओके, और वेयर आर यू राइट नाउ? आर यू इन ट्रेन? यस। तो ये पहली बार यूरोप में ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो कैसे लग रही है, सीट्स कैसी है? ट्रेन के सीट्स का तो कोई जवाब ही नहीं है, रियली कंफर्टेबल। फ्लाइट्स की सीट्स को भी माफ कर दिया है और काफी कंफर्टेबल है। देखिए, आप ऐसे लेटेंगे और ऐसे जाएंगे लेकिन दूसरे को आप परेशान नहीं करेंगे और ये आपको सपोर्ट देगा, आपके सिर को संभाल लेगा, चाहे इधर जाइए इधर। ओके, और आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। कैसा लग रहा है ट्रेन में? जो मुझे बोलना था वो सब मैडम ने बोल दिया है। तो आप कुछ और बोल दो। बस कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम ट्रेन में ही बैठे हैं, 5-7 मिनट हुए हैं, आप ट्रेन का मजा लीजिए। ओके, और आप क्या बोलना चाहती हैं मामीश्री? क्या बोलेंगे? जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ घूम के आएंगे। आपके होटल पे क्या लगा पड़ा है, क्या खाया अभी आपने? क्या खाया बताओ? मामी ने अभी चॉकलेट खाई है, मिनी और ये कोको फिल कुछ करके है। कावा ने पूला खा लिया है ना यश कावो? मेरे को ये चीज जानकर बड़ी खुशी हुई कि पानी की बॉटल्स भी देखे गए हैं, जैसे घर आए मेहमान की इज्जत करती है, पूछते हैं। तो मुझे खुशी हो रही है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से स्माइल करके पूछा कि आपको कौन सा वाटर चाहिए, और स्प्रिंकल वाला चाहिए, गैस वाला चाहिए या सिंपल चाहिए, और इतने अच्छे से देखे पानी की बॉटल्स रखे, तो मन खुश हो गया गदगद। अभी कॉफी भी आएगी, बेटी बोल रही है कैपेचिनो या जो भी हम लोग पीना चाहें। और क्या चाहिए जी, बिल्कुल मेहमान नवाजी हो रही है कि इंडिया से आए हैं लोग, फॉरेन में चाय पानी कॉफी सब पूछा जा रहा है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप लोग भी आओ, मेहमान गिरी करवाओ, खातिरदारी करवाओ इन अंग्रेजों से। बस पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल की तरफ। धूप थोड़ी सी तेज है बट हौसले एकदम बुलंद है। मम्मा सोने में लग रही थी पर जाग गई है, मंटे बैठी हुई है, सीट चेंज करे जा रहे हैं हम बार बार। मैं तो जी इनका कंफर्टेबल देख रही हूँ कि बच्चों को कहाँ पर आराम लगे, तो मैं इसलिए बच्चों की तरह मैं ही चेंज कर देती हूँ। अभी तुम बच्ची ही हो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। और मामी पूरी जर्नी में सोती हुई आई है, अब मामी की आँख खुल गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज मैं बता दूँ, दोबारा रिपीट कर दूँ आप लोगों की जानकारी के लिए, एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे हम लोगों ने 4 लोगों की टिकट कराई है तो 5वां बेबी हमने बताया कि बेबी है, बेबी की टिकट नहीं हुई लेकिन बेबी सीट जरूर मिली पूरी प्रॉपर, जैसे अपने इंडिया में नहीं देते हैं। मतलब किवी को एक सीट उन्होंने प्रोवाइड करी है और चार्ज नहीं लिया है बट सीट भी दी है। ऐसे ही नहीं कि बच्चों को अपनी गोद में बैठा के ले चलो। You can see outside is a lovely weather. ये गेहूं के खेत हैं। मामा बता रही हैं ये गेहूं के खेत हैं। पानी की बॉटल हम लोग पी चुके हैं अपनी अपनी सारी। फाइनली मिलान हो रहा है, हम लोग सेंट्रल पहुंच चुके हैं बर्लिन के। यूरोप का सबसे बड़ा स्टेशन है और फ्लोर पे फ्लोर बने हुए हैं ये बर्लिन का। बस मुझे डर लग रहा है मैं कहीं अपना फ़ोन ही ना छोड़ दूँ नीचे। पहुँच चुके हैं बर्लिन जर्मनी, और ये रहे तीनों कैंडिडेट, ये रही नीति। मामा कॉल कर रही है, बिजी है। कीवी और आयु उधर है। कीवी
सारे मतलब हिप्पी लोग होते हमारे भाषा में हिप्पी टाइप के लोग तो नशे भी वहीं की तरह है। आज ही खुला है पूरे एक महीने में क्योंकि आज के दिन ही मैच नहीं है। कल से ओनली नहीं जो बात नहीं है यूरो कप का कोई नहीं ये बंद होता ना बंद नहीं जा पाते आप नहीं हो रहा है Je ris, quoi, je ris avec lui. Hey, mom. वो बात तो ना दिखेगा अब इसका राइस कार्ड का थोड़ा भाई मुझे माने नहीं चलते ऐसी बात है यार। हम एक अच्छे से स्टेशन पर आ गए हैं। बहुत ही प्यारा सा न्यू सा स्टेशन है। हमारी ये सारी की सारी सिमरन्स खड़ी हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? और ये आइलैंड है क्योंकि वो मतलब पानी के बीच में एक ये म्यूजियम है एक वो है Hey, give me a look. पहुंच चुके हैं नीति के घर। हेलो, एंट्री कर रहे हैं ये लोग। घर पहुंच गए हैं ये सब। हाय मामा मामी चश्मा उतारती वीडियो अच्छी आए फटाफट से और खाने में लग रहे हैं। नीति ने बड़े टेस्टी से कीवी ने उठाया। कीवी ट्राई ट्राई इट्स नाइस दिस नाइस ओके आ जाओ मामी जी। और मंटे मौसी मजे से खाने में लग रही है। सब एंजॉय कर रहे हैं आराम से खा पी के। Come on! Did look like yeah. यार इसमें तो अच्छी वाली प्रेशर था यार ये come on सब लोग यहाँ पर आए इसके लिए कीवी ब्रावो
So guys, this is the day 2 in Berlin and we are going for explore the Germany. और सब कैसा है? ये रही मेरे साथ मेरी ब्यूटीफुल माएँ और ये हो चुकी हैं रेडी. मम्मी ने पहनी है ड्रेस जो हमने स्विट्ज़रलैंड से लिया था और मंटे मौसी ने वन पीस पहना है और आज मामी ने भी अपना जलवा दिखा दिया है और मामी ने भी वन पीस ड्रेस वेयर कर लिया है और ये लग रहे हैं एकदम बढ़िया. नाउ वी आर वेटिंग फॉर नीति एंड शी विल गेटिंग रेडी फॉर समथिंग. और आप अपने आज के दिन के बारे में कुछ कहना चाहती हैं लेडीज? हम बर्लिन में हैं और रात को शाम को कल हम आए थे बर्लिन में, तो उस टाइम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए, बस कुछ म्यूजियम्स वगैरह देखा था. और अभी हमें सुबह से ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच करते हुए इतना टाइम हो गया कि अब हम खा पी के बाहर जा रहे हैं. और आप क्या कहना चाहते हैं? घूमेंगे और कहाँ जाएंगे? गुड. और आप क्या कहना चाहती हैं? बर्लिन की वाइफ वाह वाह, इतनी वाइफ वाह वाह. और मामी आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी जर्मनी. और जर्मनी के लोग आयु नीति ये भी बहुत अच्छे, ये तो सुपर से भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर, सुपर से ऊपर. ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जाते हैं और फिर बताते हैं आप लोगों को कैसा लगा. एक नए कैंडिडेट पधार चुके हैं, नीति और अभिषेक, और ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ. कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे. ये आ रहे हैं घूमने, घर से पूरी आलू सब्जी खाया है और मुझे बड़ी तेज लग रही है प्यास, तो मम्मी देखने में लग रही है कीवी आगे भाग गई है, भाग गई है, भाग एक्चुअली चली गई है कीवी आगे. और ये रहे मम्मी और मैं, चल रहे हैं आज सेशन में, अच्छी खासी धूप निकली हुई है. मुझे लगता है मुझे कैप को रिटर्न करके पहन लेना चाहिए. ये मंटे घोड़े की तरह पैर उठाती हुई, दोनों बहने ये नाचती गाती, ये यूरोप में मजे लेती हुई. अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या है. मामी ने तो आज कमाल ही कर रखा है मिडी पहन के. दिस इज द वर्ल्ड क्लॉक. हम जहाँ आए हैं मुझे बहुत एक्सपेंसिव मुँह नहीं लग रहा है, ये वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही है. एक्चुअली मेरा ध्यान कीवी की तरफ भी है, ट्राम की तरफ जा रही है, वो आराम से पेंट करने में लग रहा है, लग रही है एक्चुअली. लुक अच्छा बनाई है, हाउ टैलेंटेड शी इज, ओ वाव शी इज रियली टैलेंटेड वुमन. और हियर इज द वर्ल्ड क्लॉक. अभी हम इसे समझते हैं ये कैसे टाइम बता रही है. So this is the ball. क्या कर रही है चिकित्सा? यार मुझे लगा कि मैं उनका फोटो खराब कर रहा हूँ. कैसा नहीं है, बट उन्होंने थोड़ा स्पेशल बना दिया. दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अब हम बर्लिन की ईस्ट वॉल पर आए हैं. एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स हैं
और लोगों ने अपने अपने आप को एक्सप्रेस किया हुआ है अलग अलग पेंटिंग्स करके, तो बस वही सब है जहाँ पर बहुत सारा क्राउड है और लोग फोटो ले रहे हैं, अपने आप को थोड़ा फील करवा रहे हैं जिसको जो पेंटिंग अच्छी लग रही है। बट मोस्ट फेमस जो यहाँ का है आई विल शो यू, वो पेंटिंग है मोस्ट फेमस। और अभी हो रहे सब फैमिली मेम्बर्स, सब लोग जा रहे हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे हर जगह पेंटिंग करा हुआ है। और ये रहे सारे फैमिली मेम्बर्स, सब टायर्ड हो चुके हैं, तो वी विल प्लान कि हम लोग घर जाते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। मामे ग्रीन है यहाँ, उड़ा देगी गाड़ी। वो लोग पीछे रह गए हैं। और ये ब्रिज भी बहुत पॉपुलर है। हम लोग आगे आ गए हैं। एज यू कैन सी देयर इज मामा, मंटे, काबू, आयु, अभिषेक, नीति स्माइल मारती हुई। मामी यहाँ आ गई है हमारे साथ। उड़ा दिया। तो अब हम पोलैंड के अंदर। आउच। कैच। आयुष दिखा यार प्लीज मैच। ऑफ फक मैच देख रहे हो? यस इंडिया वर्ल्ड कप। सो मैच देख रहे हैं हम लोग आउट ऑफ दिस। लास्ट बॉल है कि क्या हुआ? लास्ट अभी बाकी है ना। विकेट यार कितना ही मजा आ गया कि वनडे। इधर आ जा, इधर आ जा। तो जर्मनी के अंदर हम लोग मैच देख रहे हैं और लास्ट बॉल रह गई है, देखते हैं। हम वो देख रहे हैं घर पे, हम देख रहे हैं मोबाइल पे। अब हम लास्ट बॉल देख रहे हैं। लास्ट बॉल रिएक्शन। अभी बाबा होगी ना मम्मी। यार मेरे हाथ ना लिटरली कांप रहे हैं। नो बॉल ना दे बस बाकी सब कर ले। क्या हुआ? अब तो कुछ नहीं होगा। यस मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी हम लोग ट्रेन से उतरे हैं और ट्रेन से उतरते ही मुझे दिख गई हैं दीपिका पादुकोण। और मैंने देखा दीपिका पादुकोण के सामने माधुरी दीक्षित भी खड़ी थी, तो मैंने कहा क्यों ना शूट कर लिया जाए। और दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। और इंडिया मैच जीत गया है। अभी हम लोगों ने ऐसा हंगामा मचाया ट्रेन के अंदर कि आई कांट टेल यू। और कीवी भी मेरी पोजेस देने लगी है बिकॉज वो देख रही है कि नानी दे रही है तो मैं भी दे। और सभी बहुत आगे निकल गए हैं
तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि हम क्या देखेंगे नया। दिस इज़ द लास्ट जो आज हम लोगों का है और 8:30 बज चुके हैं। हम लोग 1:30 निकले थे तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। किवी स्ट्रेट ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं और वी विल सी कैसा लगता है। बोलते हैं यूरोप सारा साफ होता है एंड यू कैन सी कि जर्मनी को या बर्लिन को गंदा क्यों बोला जाता है, यू कैन सी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने हर स्टेशन पे नोट की है, लोग पड़े हुए हैं, सिगरेट्स पड़ी हुई है, इतना गंद है रोड पर। आई कांट टेल यू कि ये जो चीज़ें हैं लोग नहीं दिखाते हैं, बट इट्स ट्रू। ये वर्ल्ड वॉर टू में इस पे बम गिरा था ओके। ये उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उन्होंने उसको एज इट इज रखा है मेमोरी के लिए और उसके बगल में एक चर्च क्रिएट किया है ओके। एंड एनीथिंग एल्स मिस्टर इंडिया। ये फोटो लोगों का लग चुका है, ताता आप देख सकते हैं, मामी बेबी, हाउ डू यू फील कि इंडिया मैच जीत गया कावा। ये ऐसे फीलिंग कर रहे हैं ब्याह। मैच जीतने के बाद बाहर आकर कैसी वाली फीलिंग आ रही है, अच्छी वाली। इंडिया ने हमें इतना प्राउड कराया, इंडिया टीम ने इतने सालों के बाद, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। और हम लोग इस जर्मनी में हैं और हमारे लिए और प्राउड वाला मोमेंट है ये कि हम बहुत आगे। वेरी नाइस मंडे, चल चल ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड इंडिया इंडिया। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ कि हम एक और इंडियन से मिल गए हैं, नीति को पता नहीं क्या ही जवानियाँ आ रही हैं, जवानियाँ मारे तो वो बोलते हमारे पे। हाँ चल रहे चल रहे, तू जा हम आए अब ये बैठो। कोई नहीं दिल दुभाता, कोई चले तू क्या जाने ना, माने तू क्या माने ना। ला 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 ला। लेकिन हम लोग बर्लिन की ट्रेन में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। नहीं नहीं ऑब्वियसली नहीं, हम बर्लिन की ट्रेन से ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्या? अभी सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑब्वियसली, मैं ब्लॉग डालते हैं यार। अरे फॉलो भाई, बस ऐसा अभी जाके करते हैं। नहीं बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं, बहुत अरे वो मैं कह रही सेलिब्रिटी है वो, जाके जाके लग नहीं रही है तुझे हेड टू टॉ सेलिब्रिटी। मैंने क्या बोला, लग नहीं रही है एक इससे ड्रेस किया है अभी मेरे साथ, सेम ड्रेस।